Good morning students, how are you? Fine. Today we will do question number 3 of exercise 8.3. In this question, Fabina borrows rupees 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest. तो यहाँ पर simple interest लग रहा है, amount 12,500 है और रेट कितना है 12% है, टाइम 3 इयर्स, जो चीज हमारे पास गिवन है, क्लियर। एंड फॉर द नेक्स्ट राधा बोरोस रुपीज कितने, सेम 12,500, इनकी सेम अमाउंट है, सेम टाइम है, सेम पीरियड ऑफ टाइम 3 इयर्स, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका अलग है, इसका है 10% बट कंपाउंडेड एनुअली, तो इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो हम दोनों के लिए निकालते हैं, एक साइड में फेबिना लिख देते हैं, अमाउंट फॉर कैलकुलेटेड फॉर द फेबिना टू बी पे विद इंटरेस्ट आफ्टर द टाइम, तो कौन इंटरेस्ट ज्यादा पे करता है, एंड सेकंड वन इज द राधा। नाउ लेट अस स्टार्ट फॉर द फेबिना, इन द केस ऑफ द फेबिना, फेबिना के पास अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल कितना है 12,500, फॉर राधा के लिए भी प्रिंसिपल कितना है 12,500 रुपीस, एंड यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास फेबिना के पास है 12% और यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है राधा के पास, ओनली 10%। टाइम ड्यूरेशन यहां पर कितना है 3 इयर्स, और टाइम ड्यूरेशन इनके पास कितना है राधा जी के पास, यहां भी 3 इयर्स। नाउ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा फॉर फेबिना के लिए, पी आर टी अपॉन 100, प्रिंसिपल 12,500 मल्टीप्लाई रेट 12 टाइम 3 इयर्स डिवाइडेड बाय 100, 1020, जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस ऑल, 12 3 36, so actual amount paid, interest paid by Fabina is 4,500 only. For Radha, compound amount, compound amount is equal to principal into 1 plus rate upon 100 power time. Principal is equal to 12,500 into 1 plus what is the rate, 10 upon 100 power time 3, so it is equal to 12,500, 10 0 se 0 cancel, 1 0 to 0 into 1 plus 0 se 0 cancel only, say 10 1 are 10 plus 1 11 upon 10, but power 3 means multiplied by 3 times, 1 to 5 0 0 11 upon 100 10 11 upon 10 11 upon 10, 10 से 0, 10 से 0 कैंसिल, नाउ वी कैन मल्टीप्लाई दिस ऑल, 11 11 जा 121 इनटू 11 1331 1331, ओके, ऑन मल्टीप्लाइंग वी गेट डिवाइड बाय 10, सो ऑन डिवाइडिंग बाय 10 वी गेट 16,637.50. Now, what is the interest? So, compound interest कितना हो गया? Amount minus principal. Amount minus principal. So, what is the amount? 16,637.50 minus 12,500. On subtraction these,
On subtracting these, what we get? 37.50 as it is. 4,137.50 rupees. तो who pays more? हम यहां से दिख रहा है तो Fabina pays pay more. How much? So Fabina pay more interest. एंड कितना इंटरेस्ट उसने ज्यादा पे किया? जितना इसका इंटरेस्ट है माइनस में राधा का इंटरेस्ट 4,137.50. इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 59 - 7 = 6 एंड देन 4 - 1 = 3 362.50 rupees फेबिना ने ज्यादा पे किया. ओके I borrowed rupees 1200. Thank you.
Now question number 4. In the question number 4, I borrowed rupees 12,000 from Jamshed at 6% per annum of simple interest for 2 years. 2 साल के लिए 6% इंटरेस्ट पर हमने 12,000 रुपए जमशेद से लिए. Had I borrowed this sum at 6% per annum for compound interest? यदि हमने हमने यही अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट पर लिया होता 6% रेट से ही, तो कितना अमाउंट हमें एक्स्ट्रा पे करना होता. ओवरऑल इसमें पूछा क्या गया है कि 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस पूछा है. तो इस क्वेश्चन को पहले सिंपल मेथड से करेंगे, फिर जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में उससे करेंगे. ठीक है, तो हियर द सॉल्यूशन इज इक्वल टू, सबसे पहले हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट पर गिवन क्या क्या है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 12,000, रेट इज इक्वल टू 6%, टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स. सो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, पी आर टी अपॉन 100. फॉर्मूला क्या होता, पी इंटू आर इंटू टाइम अपॉन 100. तो पी आर टी अपॉन 100 मीन्स 12,000, 6 एंड देन इंटू 2 डिवाइड बाय 100. 20 से 20 कैंसिल, 12 6 72 6 2 12 12 12 144, सिंपल, एंड 10 इज. सो इतना हमें इंटरेस्ट पे करना होगा सिंपल इंटरेस्ट के लिए. कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे करना होगा, पी इंटू 1 + R/100 पावर टाइम माइनस पी, क्योंकि ये तो अमाउंट होता, माइनस पी करना होगा हमें. सो व्हाट इज द प्रिंसिपल, 12,000 इंटू 1 + रेट क्या है हमारे पास, 6/100, टाइम कितना है हमारे पास 2 ईयर, माइनस प्रिंसिपल कितना है अगेन 12,000. सो व्हाट डज इट बिकम्स, 12,000 कॉमन ले लीजिए यहां से, 1 + 6/100 पावर 2 - 1. यहां से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं एज यू विश, जैसे आपको कैलकुलेशन करनी हो. 12,000 इंटू में 106 अपॉन 100 - 1. क्लियर, नाउ 106 इंटू 106 कितना होगा हमारे पास, इट इज इक्वल टू 12,000 इंटू 36 1 12 36 upon 10,000 - 1. सो इट बिकम्स 12,000 इंटू एलसीएम कितना आएगा 10,000. सो दिस अमाउंट माइनस 10,000, व्हाट डज इट बिकम्स, 12,36 upon 10,000, 3 zeros. Now we have to multiply it by 12. It is equal to 12 6 are 72, 7 carry, 36 and 7, 43, 4 carry, 12 12s are 144, and 4 148, divided by 10. So from here we can see this is direct, हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट. सो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना आया, सो डिफरेंस इज इक्वल टू 1483.20 - this one. सो वी गेट अ डिफरेंस ऑफ 43.20 रुपीज ओनली. Now let us calculate the same question with our formula, जो हमने shortcut formula आपको समझाए थे, by using the same, using the shortcut formula. So what is the formula? Here formula is, जब हमारे पास difference पूछा जाए, difference
of CI and SI for 2 years. आपको मैंने लिखवाया था, इस केस में होता है प्रिंसिपल इनटू रेट अपॉन 100 पावर 2. क्लियर? तो ये हमारा फॉर्मूला हम यूज करेंगे. सो प्रिंसिपल कितना है हमारा यहां पर 12,000, रेट कितना है 6% फिक्स है, अपॉन 100 पावर 2, इट मींस मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स 12,000, 6 6 36, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000, 1 2 3 3 जीरोस ये कैंसिल, मल्टीप्लाई कीजिए 12 6 72, 7 कैरी, 12 3 36 and 7 43, डिवाइड बाय 10, सो व्हाट वी गेट 43.20 रुपीस. ये आप डायरेक्ट निकाल पाए हैं. ये है, दिस इज द शॉर्टकट मेथड जो आपको इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने दिया भी था, यूज करना है. तो इस क्वेश्चन को भी आपको दोनों मेथड से करना है. जिस जो नॉर्मल हमारा मेथड है वो ये है, एंड देन यूज योर डायरेक्ट मेथड आल्सो. आपको दोनों मेथड से इसको प्रैक्टिस करना है. इट इज आल्सो नेसेसरी फॉर योर फ्यूचर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ? 6 मंथ के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा? उसने क्या क्या चीज इन्वेस्टेड की है? लुक एट हियर, प्रिंसिपल इज इक्वल टू व्हाट 60,000, रेट इज इक्वल टू व्हाट 12% पर एनम, एंड टाइम इज इक्वल टू व्हाट 6 मंथ. सिक्स मंथ मींस 1 हाफ ईयरली. सो यहां पर रेट कितना होगा अगर हम हाफ ईयरली में कन्वर्ट करें? सो रेट कितना हुआ? रेट विल बी हाफ, इट मींस इट इज इक्वल टू 6% पर हाफ ईयरली. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो गया हाफ, टाइम क्या हो गया 6 मंथ है, तो टाइम कितना हो गया 1 हाफ ईयरली. तो टाइम इज इक्वल टू 1 हाफ ईयरली, हाफ ईयर. सो 1 हाफ ईयर में हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, बोथ केस में सेम ही जाएगा, बट स्टिल वी हैव टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट. व्हाट अमाउंट हियर, अमाउंट हमें पे अमाउंट बताना होगा, कंपाउंड अमाउंट. सो कंपाउंड अमाउंट होगा प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर टाइम. सो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 60,000, 1 प्लस रेट कितना है, रेट इज व्हाट 12 बाय 2 यानी कि 6% अपॉन 100, टाइम कितना हो गया 1 हाफ ईयर, यानी कि 1 हाफ ईयर, इट मींस टाइम हमारे पास 1 कंसीडर होगा. 60,000 106 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, सो 63,600 द अमाउंट ही हैज टू पे. ओके, नाउ फॉर द सेकंड केस, इट इज द फर्स्ट वन. सेकंड केस आप अपने आप सेल्फ सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसमें भी सिमिलर है, बस यहां पर 1 ईयर है, तो आपको कंसीडर क्या करना है इसको 2 हाफ ईयर में, 2 हाफ ईयरलीज. तो 2 हाफ ईयरली के हिसाब से इसे कैलकुलेट कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. आरिफ टुक ए लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम ए बैंक इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम. फाइंड द डिफरेंस इन द अमाउंट ही वुड पे आफ्टर 1.5 ईयर्स
if the interest is compounded annually and half yearly. तो annually में आप जो ये है अलिफ है वो कितना पे करेंगे, अमाउंट कितना अमाउंट पे करेंगे, और हाफ ईयरली में कितना अमाउंट पे करें, ये दोनों ही कैलकुलेट करना है. सो इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम एनुअली के लिए बात करते हैं. प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 80,000 रुपीस. रेट कितना है हमारे पास 10% पर एनम. टाइम, टाइम हमारे पास क्या है 1:1/2 ईयर्स. सो इट इज इक्वल टू 3/2. इसको ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि हमें इससे ही इजीली कैलकुलेट हो सकता है. सो अमाउंट कितना हो गया हमारे पास 80,000 प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट कितना है 10/100 पावर टाइम. ये वाला टी आएगा यहां पर, टी यानी कि 1, क्लियर. इनटू में 1 प्लस रेट इनटू में जो भी पावर जो रिमेनिंग बच गया 1/2, रेट है 10, 10 इंटू 1/2 डिवाइड बाई 100. सो ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ है आपको, आपको उस फॉर्मूले से चलना है, याद रखना है उस फॉर्मूले को. नाउ इट इज इजी टू कैलकुलेट 80,000 इंटू 0 से 0 कैंसिल, 10 11/10 इंटू 2 से कैंसिल कीजिए 5 पे, 5/100 इट मीन्स 5 × 5 = 20 20 × 20 + 1 = 21 upon 20 2 0s से 2 0s 2 से कैंसिल हो रहा है 400 पे. इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 11 से 44 इनटू में 21 सो 9 2 4 एंड देन 2 0s. इतने रुपए, इतना अमाउंट ही हैज टू पे एनुअली चार्ज पर. अगर हम कैलकुलेट होता है एनुअली तो इतना रुपए उसे पे करना होगा. नाउ व्हाट अबाउट इफ आरिफ हैज टू पे हाफ ईयरली, जो भी इंटरेस्ट वो पे कर रहा है वो हाफ ईयरली पे हो, तो सेम केस होगा. सेकंड के लिए देखिए, प्रिंसिपल में सेम होगा 80,000 रुपीज. रेट भी हमारे पास क्या है, सेम ही है 10% पर एनम है. पर ये क्या है, पर एनम, और कंपाउंड क्या करना है हमें, हाफ ईयरली. तो इसे चेंज करेंगे तो रेट क्या हो जाएगा, हाफ पर हाफ ईयरली. सो रेट कितना होगा 10/2, 5% पर हाफ ईयरली, क्लियर, इजी है. नाउ प्रिंसिपल और रेट हमारे पास गिवन है. सो व्हाट वी हैव टू, नाउ वी हैव टू यूज द टाइम. टाइम कितना है हमारे पास 1.5 ईयर्स. एक 1 ईयर के अंदर 2 हाफ ईयर्स होते हैं और एक हाफ ईयर अलग है, तो 3 हाफ ईयर्स हो गए ना. तो इसे वैसे भी सॉल्व करना चाहो तो आप 3/2 ईयर्स हो गए, और इसे चेंज करते हैं. सो व्हाट इज इट बिकम्स 2 × 3 तो 3 हाफ ईयर्स, 3 हाफ ईयर्स हो गए. नाउ टाइम हमारे पास 3 हाफ ईयर, सो अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट. अब हमें अमाउंट निकालना है. प्रिंसिपल 80,000 × 1 प्लस रेट कितना हो गया 5% टाइम 3. सो नाउ इट इज इजी टू कैलकुलेट 80,000 105/100 105/100 105/100 यहां से 1 2 1 2 3 4 3 4 जीरोस कैंसिल आउट, कैंसिल हो रहे हैं 5 से 21 पे, 5 से 20, फिर 5 से 4 पे, फिर 5 से 21 अगेन, 4 × 1 = 4 4 × 2 = 8 2 पे. सो 21 × 21 = 441 × 2 कितना हो गया 882 × 105 कितना हो गया
सो इसका आंसर आएगा 92,615 रुपीज। सो हु पे मोर, अब आप यहां से अपने आप देख सकते हैं, इनको डिफरेंस भी निकाल सकते हैं निकालना चाहे तो हमारा जो हाफ ईयरली अमाउंट होता है तो ज्यादा पे करना होगा। ठीक है, सो आज के लिए 6th क्वेश्चन तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और ट्राई करना 7th क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, और मुझे 7th क्वेश्चन तक सॉल्व करने के बाद, फेयर नोटबुक में सॉल्व करने के बाद मुझे सेंड करना। ओके, थैंक यू।